आई मीन मुझे अपने चैनल से प्यार है, मैं इसको डेड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं छोटे छोटे एक दो मिनट के वीडियो स्टॉक पाइल करके एवरी मंथ अपलोड करूंगा जब तक मेरे बोर्ड्स ओवर नहीं हो जाते, ताकि तुम लोगों के पास एटलीस्ट कुछ हो जब मैं जाऊँ और तुम लोग मुझे याद रख सको और लाइक भूल ना जाओ कि जूम एक्स कौन था। वेल आई गेस आज हमको इस टॉपिक पर थोड़ी बात करनी होगी। तो यू रिमेम्बर मैंने अपने इस वाले वीडियो में मेंशन किया था कि मैं पहले टेनिस खेला करता था। तो कुछ साल पहले मी एंड द बॉयज टेनिस खेल रहे थे और वो शायद से शाम का टाइम था, तो मतलब उस समय काफी डिसेंट भीड़ थी और यू नो हम जस्ट नॉर्मली टेनिस खेल रहे थे, नथिंग स्पेशल। लेकिन अचानक से फॉर सम रीजन आई वाज लाइक आउच, क्या हो ब्रो, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ आई गेस। अब आई डोंट नो मैं तुम लोगों को इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करूँ, लेकिन फॉर सम रीजन मेरे पैंट के अंदर मुझे अचानक से दर्द हुआ। लेकिन आई मीन वो जस्ट एक दो सेकंड के लिए था, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने ज्यादा उसको बॉदर नहीं किया और जस्ट इग्नोर करके गेम कंटिन्यू करा। लेकिन फिर से अराउंड 10 या 15 सेकंड्स लेटर और नॉट गोना लाई, पेन इस बार सीरियस था। इट वाज लाइक एन इलेक्ट्रिक जैप। आई मीन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने पैंट में हाथ डाल के चेक करना चाहता था कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, लेकिन एज आई सेड वहां पे काफी भीड़ थी, तो मैं स्टूपिड इडियट नहीं लगना चाहता था उस समय सबके सामने। तो मैंने जस्ट फॉर द ग्रेटर गुड पेन एंड्योर किया और जस्ट गेम कंटिन्यू किया। लेकिन फिर से अराउंड 5 या 6 सेकंड लेटर, ब्रो तू ठीक है ना? तू मेरे साथ आ प्लीज। I mean, ये थर्ड टाइम genuinely serious था और इस बार मेरा endurance meter break हो चुका था। I mean, I felt like कि अगर मैं फिर से pain endure करता हूँ, जस्ट मेरे छोटे भाई की मौत हो जाती। I mean, मेरे you know। तो मैं अपने दोस्त को साइड में घसीट के ले गया और मैंने उसको ढंग से एक्सप्लेन करा कि मेरे साथ क्या चल रहा है, और वो हंसने लगा मेरे ऊपर। Bro, तू चिंता मत कर bro, मैं तेरे को कवर करूंगा। और फिर मैंने उससे हैंडशेक करके पीछे मुड़ के अपनी इंस्पेक्शन शुरू किया। और ये चींटी, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन ये बिग रेड स्टूपिड एंट मेरे पीपी को स्नैक समझ के खा रही थी। I mean, look at this, it's so big. ये तुम्हारी एवरेज चींटी के साइज की नहीं है, ये लगभग उसके 2 या 3 टाइम्स है। स्टूपिड। और ये वाला इवेंट मुझे हमेशा याद दिलाता है कि क्यों हमेशा मुझे अपने कपड़े चेक करके पहनने चाहिए, कि उसमें कोई अनइनवाइटेड गेस्ट तो नहीं बैठा पहले से जो मेरे बॉडी पार्ट्स को स्नैक समझ के खाए ना खाए। आई मीन ये yeah।